यस पीपल, गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग, गुड आफ्टरनून, जो जो वीडियो देख रहे हैं सबके लिए, कैसे हैं सब लोग? आई होप सो आप सब लोग जो बहुत बढ़िया रहे होंगे, और मैं बता दूं मैं भी बहुत बढ़िया हूं। गाइस, जैसे कि आप जानते हैं कि कल हमारे HPSC की वैकेंसी जो है असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए जो अनाउंस हो चुकी है, तो उसके बारे में मैंने एक डिटेल वीडियो जो वो डाल दिया था कि कितनी वैकेंसी जो है वो आई है और कैसे आपको तैयारी करनी है, और आपकी तैयारी के लिए ऑनलाइन बैच हम लोगों ने स्टार्ट किया। ओके, तो लास्ट वाली वीडियो के अंदर मैंने आप लोगों को बताया था, मतलब जो फर्स्ट वीडियो था जिसके अंदर मैंने अनाउंसमेंट किया था नए बैच के बारे में, तो मैंने आपको बताया था कि हम लोग जो है वो अभी सिलेबस जो है वो स्टार्ट करने वाले हैं। ओके, तो आज जो है वो है लेक्चर नंबर फर्स्ट, दिस इज द फर्स्ट लेक्चर फॉर HPSC असिस्टेंट प्रोफेसर कॉलेज कैडर की जो वैकेंसी है उसके लिए। ओके, अब बहुत सारे बच्चों के माइंड में ये आ रहा होगा कि सर जो सिलेबस है वो तो अभी तक डिफाइन नहीं हुआ है, क्योंकि सिलेबस में ये लिख रखा है टू बी नोटिफाई। ओके, कि वेबसाइट के ऊपर हम लोग डाल देंगे, और अभी साइट के ऊपर जो है वो पुराना सिलेबस है। ओके, तो सर हम क्या पढ़ के जाएं? ठीक है ना, तो देखिए, चाहे पुराना सिलेबस के हिसाब से पेपर हो चाहे नए सिलेबस के हिसाब से, वैसे तो सिलेबस जो है, क्योंकि 7 तारीख को पोर्टल ओपन हो रहा है रजिस्ट्रेशन के लिए, तो मोर एंड मोर चांसेस यही है कि 7 तारीख से पहले, बोलो तो 6 तारीख तक जो है वो सिलेबस अपने सामने आ जाएगा। तो मतलब मुझे ऐसा लग रहा है कि शायद मंडे को जो सिलेबस आ जाएगा, बाकी फिर भी हम इतना टाइम अपना क्यों वेस्ट करें? तो उसके लिए हम लोग जो है, क्योंकि अगर ओल्ड सिलेबस जो उन्होंने दे रखा है उसके हिसाब से अगर पेपर होता है, उसमें भी जो कॉमन टॉपिक है, डेट इज जैसे फाइनेंशियल मैनेजमेंट हो गया, अकाउंटेंसी हो गया, इंटरनेशनल बिजनेस हो गया, स्टैटिक्स हो गया, तो ये तो फंडामेंटल टॉपिक है कॉमर्स के। ओके, ये तो आएंगे ही आएंगे। ओके, और अगर नए सिलेबस के हिसाब से आता है पेपर, नया सिलेबस जिसका मतलब नेट का जो कॉमर्स का पेपर नंबर 2 है उसके हिसाब से, तो उसमें भी ये टॉपिक कॉमन है। ओके, तो अभी हम लोग जो है वो, हमने ये डिसाइड किया था कि हम लोग जो है वो स्टार्ट कर देते हैं अपनी तैयारी को, और जब सिलेबस अनाउंस होगा तो उसको फिर कैरी ऑन करेंगे। ठीक है ना, तो अभी हम लोग जो वो क्या करेंगे, हम एक कॉमन यूनिट जो है डेट इज द फाइनेंशियल मैनेजमेंट, उस यूनिट को हम लोग जो वो उठाएंगे और उस यूनिट को हम लोग जो वो स्टार्ट करने जा रहे हैं। ठीक है ना, तो फाइनेंशियल मैनेजमेंट को आज के इस वीडियो के अंदर हम लोग जो स्टार्ट करेंगे, तो भगवान का नाम लीजिए, बजरंग बली का नाम लीजिए, ताकि बजरंग बली आपकी जो भी मनोकामना है भाई उसको पूरा करे। ओके, और मेन मनोकामना तो बेसिकली एक ही है कि अपने को हर हाल में कुछ भी करके जो है वो अपने को लगना है इस बार। ठीक है ना, तो AP का वैकेंसी निकला हुआ है, असिस्टेंट प्रोफेसर का वैकेंसी निकला हुआ है, तो तैयारी करो, मेहनत करो, और कुछ भी करके यार, बाय हुक और बाय क्रूक, कैसे भी करके जो है वो, मतलब अपना दिन रात झोंक दो इस चीज के अंदर, ताकि रिग्रेट ना रहे आपको। ठीक है ना, तो तैयारी करो बढ़िया तरीके से, भगवान का नाम लेके तैयारी करो। ठीक है ना, ऑलमाइटी आपके साथ ही है हमेशा, और अच्छे तरीके से अगर आप काम करेंगे, मेहनत करेंगे, तो फिर बढ़िया बढ़िया चीजें होंगी। ठीक है ना, तो लग जाओ अभी से तैयारी पे, अभी से लगोगे तो जाके फिर अपना सिलेबस कंप्लीट हो पाएगा, तो जाके अपना रिवीजन कंप्लीट हो पाएगा, और तो जाके अपना प्रैक्टिस हो पाएगा। तो बहुत ही सिलेबस काफी वास्ट रहने वाला है। ओके, और जो कंपटीशन है वो बहुत ही कट थ्रोट है, बहुत ही जबरदस्त कंपटीशन है इस बार। ओके, क्योंकि और सीट भी ज्यादा है, सीट ज्यादा है तो कंपटीशन भी बहुत ज्यादा है, तो उसके लिए अगर आपको अपनी सीट को अगर आपको सिक्योर करना है, आप चाहते हो कि नहीं मैं तो लगूं, ठीक है ना, तो उस पर्पस अगर वो आपका मेन ऑब्जेक्टिव है, तो उसके लिए आपको जी तोड़ मेहनत करना पड़ेगा। ठीक है ना, तो ये थोड़ा सा आप देखिए और बढ़िया तरीके से लगो। ठीक है, तो बजरंग बली का नाम लेके हम लोग जो वो तैयारी जो है वो अपनी स्टार्ट करते हैं। दिस इज आवर फर्स्ट लेक्चर। ओके, तो फर्स्ट लेक्चर है हमारा ये HPSC 2024 के लिए असिस्टेंट प्रोफेसर की वैकेंसी के लिए। तो आप सिलेबस की अगर बात करते हैं, तो आपको मैंने बताया कि साइट के ऊपर तो लिख रखा है टू बी नोटिफाइड, लेकिन हम लोग जो है वो क्या करने वाले हैं, हम कॉमन जो सब्जेक्ट है, जो ओल्ड सिलेबस दे रखा है वो, और अगर जो न्यू सिलेबस की बात करें, बोले तो नेट का जो अपना पेपर नंबर 2, ये अपना न्यू सिलेबस है। ओके, क्योंकि जनरली जो सिलेबस उठाते हैं वो क्या करते हैं, नेट का पेपर नंबर 2 उठाते हैं। ठीक है ना, तो ओल्ड और न्यू इन दोनों में जो कॉमन यूनिट है उसको हम लोग जो है वो आज के इस क्लास के अंदर स्टार्ट करने वाले हैं। ठीक है, कई सारी कॉमन यूनिट है, तो उसमें से मैंने एक कॉमन यूनिट जो है फाइनेंशियल मैनेजमेंट, इसको जो है वो हम पिक कर रहे हैं, और इस यूनिट को हम लोग जो है स्टार्ट करेंगे। जैसे सिलेबस आ जाएगा, तो फिर जिन बच्चों ने हमसे कोर्स बाय किया है, तो उन लोगों को हम लोग जो है वो जो स्टडी मटेरियल है वो हम प्रोवाइड करवा देंगे, चाहे ओल्ड सिलेबस हो चाहे न्यू हो, आपको कंप्लीट अपडेटेड स्टडी मटेरियल जो है आपके होम एड्रेस के ऊपर प्रोवाइड करवा देंगे। जैसे भी PGT की वैकेंसी निकली हुई है, ओके, तो बहुत सारे बच्चों ने हमसे PGT का कोर्स लिया, तो उसका स्टडी मैट, उसका सिलेबस आ चुका है, उसका स्टडी मैट हमने जो प्रिपेयर कर लिया है, तो मैं आपको एक बार दिखा देता हूं इस तरीके का। ये PGT का हमने जो स्टडी मैट प्रिपेयर किया है, ठीक है, 2 किताबें हैं। ठीक है, नेट के जो आपका नेट का अगर सिलेबस है, उसमें तो 10 सब्जेक्ट है, तो वहां पे आपके 10 बुक्स बनेंगी। ओके, लेकिन PGT की अगर बात करते हैं, तो वहां पे जो सिलेबस है उसको 2 पार्ट में डिवाइड किया, एक तो है मैनेजमेंट का, ठीक है, बिजनेस स्टडी एंड मैनेजमेंट, और एक है आपका फाइनेंशियल अकाउंटिंग एंड फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस का। ठीक है ना, तो इसकी हमने 2 किताबें बनाई है, लगभग 1000 पेजेस की जो है ये 2 बुक जो है अपनी बनी है। ओके, तो मैं आपको बेसिकली क्या दिखा रहा हूं, जैसे ये अपनी बुक है HPSC
पीजीटी कॉमर्स का। इसी तरीके से आपको जो है बुक्स हम प्रोवाइड करवाएंगे एचपीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर का, ठीक है ना। तो जैसे सिलेबस दो तीन दिन के अंदर नोटिफाई हो जाएगा तो आपके होम एड्रेस पे हम लोग जो किताबें पहुंचा देंगे, ठीक है। तो ताकि अभी तैयारी बढ़िया तरीके से हो जाए, तब तक दो तीन दिन जो इस बीच में है तो हम सिलेबस तो कंप्लीट अब कंटिन्यू इसको करेंगे, और ये जो आपको मैं पढ़ाऊंगा इसका पीडीएफ मैं आपको प्रोवाइड करवा दूंगा, ठीक है। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा हम लोग अब आगे क्या करने वाले हैं, ठीक है ना। तो आइए लेक्चर को हम स्टार्ट करते हैं। फाइनेंशियल मैनेजमेंट से हम लोग जो स्टार्ट करेंगे, तो सबसे पहले हम लोग ये समझेंगे कि भाई फाइनेंशियल मैनेजमेंट होता क्या है, ओके, और फाइनेंशियल मैनेजमेंट का यूज क्या है बेसिकली, ठीक है ना। देखो फाइनेंशियल मैनेजमेंट की अगर हम लोग बात करते हैं तो फाइनेंशियल मैनेजमेंट जो एक टर्म है ये दो वर्ड से मिलकर बनी है। एक वर्ड जो है वो है आपका फाइनेंस और एक वर्ड जो है वो है आपका मैनेजमेंट। जो बच्चे ऑलरेडी मुझसे पढ़े हुए हैं तो आप लोगों को तो ये सारी चीजें अब जो है रिवॉल्व होनी स्टार्ट हो जाएंगी, क्योंकि ये सब हम लोगों ने पहले ऑलरेडी अपनी क्लासेस के अंदर जिन्होंने मुझसे नेट की क्लासेस ली हैं या जेआरएफ की क्लासेस ली हैं तो आपने ये सब पढ़ा हुआ है, ठीक है ना। तो आपको तो अब ये सब रिवॉल्व होना स्टार्ट हो जाएगा कि हाँ क्लासेस के अंदर ये सब हमने चीजें जो है वो पढ़ी थी। आओ शुरुआत करते हैं। तो मैं बिल्कुल बेसिक से करवाऊंगा। मैं ये उम्मीद करता हूं कि आपने सिर्फ चीजों का नाम सुना हुआ है, बाकी आपको इसके बारे में नॉलेज नहीं है। तो बिल्कुल डेप्थ लेवल से हम लोग जो इसको स्टार्ट करेंगे, स्क्रैच से बिल्कुल स्टार्ट करेंगे और एकदम टॉप लेके जाएंगे, ठीक है ना। तो जैसे जैसे मैं आपको पढ़ाऊंगा उसी पेस से आप जो है इसको कंटिन्यू कीजिएगा, ठीक है। चलो स्टार्ट करते हैं। देखो फाइनेंशियल मैनेजमेंट, एक बार भूल जाओ सब्जेक्ट को, ठीक है। फाइनेंशियल मैनेजमेंट एक कॉमन सी कॉमन पार्लेंस की अगर बात करें तो ये एक टर्म है, ओके, और ये दो वर्ड से मिलकर बना है। एक होता है फाइनेंस और एक है मैनेजमेंट, ठीक है। अगर बात करते हो किसका मैनेजमेंट का, तो आपने सुना होगा मैनेजमेंट को हिंदी में बोलते हैं प्रबंध। क्या बोलते हैं इसको? प्रबंध, प्रबंध करना, ठीक है। अब मैनेजमेंट के अंदर हम लोग ये पढ़ते हैं कि यार मैनेजमेंट या फिर प्रबंध की अगर हम बात करते हैं तो उसके अंदर ना हम लोग जो मैनेजर होता है, मैनेजमेंट करने वाले बंदे को बोलते हैं मैनेजर, ओके। और मैनेजर जो है वो कुछ फंक्शन परफॉर्म करता है। तो मैनेजमेंट के जो फंक्शंस होते हैं उसके अंदर हम जनरली जो है वो पांच फंक्शन को लेकर चलते हैं। एक होता है प्लानिंग, एक होता है डायरेक्टिंग, प्लानिंग के बाद में आएगा ऑर्गेनाइजिंग, फिर उसके बाद आएगा स्टाफिंग, फिर आएगा आपका डायरेक्टिंग, और लास्ट बाद आएगा कंट्रोलिंग, ओके। तो ये पांच आपके जो है वो मैनेजमेंट के क्या है, फंक्शन है। अल्टीमेटली मैनेजमेंट की अगर हम बात करें तो उसके मेन जो है वो दो फंक्शन है, एक है प्लानिंग एक है कंट्रोलिंग। प्लानिंग के अंदर हम लोग जो वो क्या करते हैं, अपने गोल को डिसाइड करते हैं, और कंट्रोलिंग के अंदर हम लोग जो है वो ये देखते हैं कि जो गोल हमने डिसाइड किए थे, जो भी ऑब्जेक्टिव हमने सेट किया था प्लानिंग फेज में, तो क्या वो हमारे अचीव हुए या नहीं हुए कंट्रोलिंग फेज में। तो मतलब हम एट द एंड में देखते हैं कंट्रोलिंग के माध्यम से कि जो हमने ऑब्जेक्टिव डिसाइड किया था या जो गोल हमने डिसाइड किया था ऑर्गेनाइजेशन को लेकर के, तो क्या वो हमारे गोल हमारे ऑब्जेक्टिव अकॉम्प्लिश हुए या अकॉम्प्लिश नहीं हुए, उसके लिए हम करते हैं क्या, कंट्रोलिंग। तो कंट्रोलिंग में बेसिकली हम लोग जो वो क्या करते हैं, प्लानिंग के टाइम पे जो गोल हमने सेट किए थे उनको हम लोग जो है वो कंपेयर करते हैं स्टैंडर्ड्स के साथ में, और फिर ये देखते हैं कि क्या स्टैंडर्ड अचीव हुआ या नहीं हुआ। बेसिकली कि जो परफॉर्मेंस है, अपने परफॉर्मेंस को हम लोग जो है वो चेक करेंगे और देखेंगे कि जो ऑब्जेक्टिव हमने डिसाइड किया था, जो गोल्स हमने निर्धारित किए थे, तो क्या वो अचीव हो पाए या वो अचीव नहीं हो पाए, ओके। तो बीच के फंक्शन तो इनको हेल्प करते हैं, बट अल्टीमेट जो एम है, जो प्रोसीजरल डेफिनेशन की अगर आप बात करो किसी से भी, आप अगर पूछोगे भाई मैनेजमेंट क्या है, तो जनरली लोग बोलेंगे यार मैनेजमेंट इसे मैनेजमेंट बेसिकली जो है वो एक फंक्शन है, ओके, जिसके अंदर मतलब मैनेजमेंट एक प्रोसेस है जिसमें हम कई सारे फंक्शन परफॉर्म करते हैं, एंड द मेन की फंक्शन आर नोन एज द प्लानिंग एंड कंट्रोलिंग, ठीक है ना। तो प्लानिंग के अंदर हम लोग जो है प्लानिंग फेज में हम जो है वो क्या कर रहे हैं, प्लानिंग के अंदर हम लोग जो है वो डिसाइड कर रहे हैं, अपने गोल्स को सेट कर रहे हैं, एंड कंट्रोलिंग फेज में हम लोग जो है वो क्या कर रहे हैं, कंट्रोलिंग के अंदर हम लोग ये देख रहे हैं कि जो गोल हमने सेट किए, जो गोल हमने डिसाइड किए, क्या वो अकॉम्प्लिश हुए या अकॉम्प्लिश नहीं हुए, ये बात समझिएगा। तो एक बेसिक सी बात करते हैं, ठीक है ना। तो मैनेजमेंट की अगर मैं बात कर रहा हूं तो मैनेजमेंट की प्रोसीजरल डेफिनेशन में अगर हम घुसते हैं तो वहां पे हम क्या देखते हैं, वैसे तो मैनेजमेंट एक पूरा का पूरा प्रोसेस है जिसके अंदर फाइव बेसिक फंक्शन है जो परफॉर्म किए जाते हैं, और ये कौन करता है, परफॉर्म कौन करता है, फाइनेंशियल मैनेजर करता है। क्या क्या है, प्लानिंग, सेकंड नंबर पे ऑर्गेनाइजिंग, थर्ड नंबर पे स्टाफिंग, देन डायरेक्टिंग एंड देन कंट्रोलिंग। लेकिन अगर प्रोसीजरल एस्पेक्ट की बात करें तो हम जनरली ये बोल देते हैं कि जो मैनेजमेंट है, मैनेजमेंट के अंदर हम लोग दो काम करते हैं, हम प्लानिंग करते हैं देन कंट्रोलिंग करते हैं, ठीक है। तो आई होप सो इतना एक बार आप अपने माइंड के अंदर जो है एक इमेज क्रिएट कर लेना कि मैनेजमेंट के अंदर हम लोग जो वो क्या करते हैं, प्लानिंग करते हैं, कंट्रोलिंग करते हैं। अब आपको सर हम तो कोऑर्डिनेशन भी करते हैं, सर स्टाफिंग के तो बहुत सारे पार्ट है, सर स्टाफिंग के अंदर हम लोग तो है रिक्रूटमेंट भी करते हैं, सिलेक्शन भी करते हैं, सर डायरेक्टिंग के अंदर सर हम मोटिवेशन भी हमने पढ़ा हुआ है, सर डायरेक्टिंग के अंदर तो लीडरशिप भी हमने पढ़ा हुआ है। हम वहां पे नहीं घुस रहे हैं, हम एफएम पढ़ रहे हैं, हम एक बार बेसिक बातें कर रहे हैं, ठीक है ना। तो इतने डेप्थ की चीजें भाई तुम्हें पता है, मुझे तो पता ही नहीं है, ठीक है ना। तो अभी आप मैनेजमेंट के बारे में बस इतना ध्यान रखो, मैनेजमेंट के अंदर हम लोग क्या कर रहे हैं, प्लानिंग एंड कंट्रोलिंग कर रहे हैं, ठीक है। अब बात आएगी किसका, फाइनेंस का।
फाइनेंशियल मैनेजमेंट में हम लोग मैनेज करेंगे, ध्यान देना, फाइनेंशियल मैनेजमेंट में हम लोग क्या करेंगे, मैनेज करेंगे। किसको मैनेज करेंगे? फाइनेंस को मैनेज करेंगे। किसको मैनेज करोगे? फाइनेंस को मैनेज करेंगे। अब बात आती है फाइनेंस के बारे में। देखो, ऑर्गेनाइजेशन जो है, कोई भी संस्था जब वो काम करना स्टार्ट करती है तो उसके पास में संस्था का मेन काम जो है वो क्या होता है, संस्था का मेन काम जो है वो क्या है, अपने रिसोर्सेज को प्रॉपर यूज करना, अपने रिसोर्स का ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन करना। हम हमेशा एक बात बोलते हैं कि हम जो है वो ये चाहते हैं कि जो भी साधन हमारे पास में है उसका प्रॉपर यूज किया जाए, जो भी साधन हमारे पास में उसका प्रॉपर यूज किया जाए, जो भी रिसोर्सेज है, रिसोर्सेज को हिंदी में क्या बोलते हैं, साधन, जो भी साधन हमारे पास में उसका प्रॉपर क्या किया जाए, यूटिलाइजेशन किया जाए। ऐसा क्यों, क्यों भाई साधन का प्रॉपर यूज क्यों किया जाए? क्योंकि जो साधन है, जो रिसोर्सेज है, वो क्या है, स्कार्स है। स्कार्स का मतलब जो है वो क्या होता है, पहले ही हमारे पास में लिमिटेड इन अमाउंट है, लिमिटेड अमाउंट में अवेलेबल है। ये क्या है, लिमिटेड अमाउंट में अवेलेबल है। इस बात को ध्यान देना। जो अगर हम बात करते हैं किसका, रिसोर्सेज का, तो रिसोर्सेज, अभी फाइनेंस की बात नहीं कर रहा, हम पहले साधन की बात कर रहे हैं, ठीक है। साधन जो है वो क्या, लिमिटेड है। आप अपनी बात कीजिए, ठीक है, आप एक बार बताइए आपके पास जो रिसोर्सेज है, पैसा, क्या अनलिमिटेड अमाउंट में या लिमिटेड है? सर अगर अनलिमिटेड होता तो क्या आज हम जो है वो ये आपसे पढ़ रहे होते, क्या आपको नौकरी पे रख लिया होता हमने, ठीक है ना, और आज हम नौकरी की तलाश में ना होते, आज हम बल्कि सेल्फ एम्प्लॉयड होते, लोगों को नौकरी दे रहे होते, ठीक है ना सर। तो आज हम, तो अगर हम बात करें आपके पार्ट पे, अगर मैं बात करता हूं तो रिसोर्सेज हमारे पास में क्या, लिमिटेड है। रिसोर्सेज हमारे पास में क्या, लिमिटेड है। वक्त, क्या वक्त ज्यादा है क्या आपके पास में? सर टाइम भी हमारे पास में क्या, लिमिटेड है। इसका मतलब क्या हो गया, जो रिसोर्स है वो क्या, लिमिटेड है। और अगर रिसोर्स लिमिटेड है तो उनका प्रॉपर यूटिलाइजेशन करना चाहिए, क्योंकि लिमिटेड अमाउंट को अगर मैंने क्या कर दिया, वेस्ट कर दिया, लिमिटेड अमाउंट को अगर मैंने क्या कर दिया, वेस्ट कर दिया, तो यार ये तो काम खराब हो जाएगा, है या नहीं है। तो इसलिए हम हमेशा क्या बोलते हैं कि जो रिसोर्सेज है उनकी ऑलरेडी स्कार्सिटी है, इकोनॉमिक्स के अंदर आपने पढ़ा होगा। और अगर इकोनॉमिक्स, अगर रिसोर्सेज का स्कार्सिटी है तो अपने को क्या करना चाहिए, रिसोर्सेज का प्रॉपर यूटिलाइजेशन करना चाहिए ताकि वो वेस्ट ना हो, ठीक है ना। तो फाइनेंस की अगर मैं बात करता हूं, फाइनेंस को जनरली हम लोग बोलते हैं फंड्स। फाइनेंस के अंदर हम क्या बोलते हैं, फंड्स की बात करते हैं। किसकी बात करते हैं, फंड्स। अब जो फंड्स है, या बेसिकली अगर मैं हिंदी में बोलता हूं, देसी भाषा में, पैसा। तो पैसा हमारे पास में जो है वो क्या, स्कार्स है, लिमिटेड अमाउंट के अंदर क्या, अवेलेबल है। तो अपने को जो है वो क्या करना है, पैसे को मैनेज करना है, पैसे को क्या करना है, मैनेज करना है, ताकि ये जो पैसा जो लिमिटेड अमाउंट में हमारे पास में अवेलेबल है, इसका प्रॉपर यूटिलाइजेशन किया जा सके, इसका प्रॉपर यूटिलाइजेशन किया जा सके। अब थोड़ा नटशेल में पढ़ते हैं। अगर हम बात करते हैं फाइनेंशियल मैनेजमेंट का, तो फाइनेंशियल मैनेजमेंट के अंदर हम लोग जो क्या करेंगे, मैनेज करेंगे। किसको मैनेज करेंगे, फंड्स को मैनेज करेंगे, बोले तो फाइनेंस को मैनेज करेंगे। फाइनेंस के बारे में अगर हम पढ़े तो फाइनेंस जो है वो क्या, फाइनेंशियल रिसोर्सेज। क्या फाइनेंशियल रिसोर्सेज आपके पास अबंडेंट अमाउंट में अवेलेबल है या स्कार्सिटी है? सर फाइनेंशियल रिसोर्सेज अबंडेंट अमाउंट में अवेलेबल नहीं है। अगर किसी चीज की अबंडेंसी होती है, बोले तो अगर वो बहुत ज्यादा अमाउंट में हमारे पास अवेलेबल होता है तो उसको आप कैसे भी यूज करो, आपको कोई परवाह नहीं। लेकिन अगर मान लो रिसोर्सेज अगर आपके पास लिमिटेड अमाउंट में होते हैं तो उस केस के अंदर अपने उसको प्रॉपर यूज करना होता है, क्योंकि एक तो वैसे ऑलरेडी क्या है, लिमिटेड है, और अगर उसको हमने वेस्ट कर दिया तो फिर क्या, तो फिर बेनिफिट नहीं है, अपने को क्या हो जाएगा, लॉस हो जाएगा। तो इसीलिए अपने को जो है, जो फंड्स है उनको प्रॉपर क्या करना है, यूटिलाइज करना है। अब फंड्स को प्रॉपर यूटिलाइज करना है तो उसके लिए बहुत सारी डिसीजन मेकिंग करनी होती है, वो सब एक बात की बात है। अभी के लिए मैं आपको क्या बोल रहा हूं, फाइनेंशियल मैनेजमेंट, दो डिफरेंट डिफरेंट वर्ड। मैनेजमेंट के अंदर हम क्या करते हैं, प्लानिंग, कंट्रोलिंग। फाइनेंस की बात करें तो फाइनेंस का मतलब क्या है, एक साधन है, एक रिसोर्स है, जो अबंडेंट है या लिमिटेड है, लिमिटेड अमाउंट में है, दैट्स ऑल। एक बार इतनी बात करते हैं, एक तो इसकी क्या है, स्कार्सिटी है, और दूसरा ये सेंट्रल रिसोर्स है। ये क्या है, सेंट्रल। पैसे से ही आप बाकी रिसोर्सेज को परचेज करते हो, पैसे से ही लेबर आएगा, पैसे से ही मटेरियल आएगा, पैसे से ही कैपिटल आएगी, मतलब जो कैपिटल प्रोडक्ट्स है वो आएंगे। तो इसका मतलब क्या हो गया कि पैसा बहुत ही क्या, इंपॉर्टेंट है। फंड्स जो है वो क्या, इंपॉर्टेंट है। तो अगर फाइनेंस हमारे लिए क्या, इंपॉर्टेंट है, तो फाइनेंस फंक्शन जिसका, जिसके अंदर हम फंड्स को क्या करने वाले हैं, हम उसको यूज करेंगे, कैसे उसको यूज करें ताकि ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन हो, तो ये डिसीजन लेना मेरे लिए बहुत ही क्या, इंपॉर्टेंट है। क्योंकि सारी चीजें घूम फिर के जो सेंट्रल बिंदु है वो क्या है, वो फंड्स ही है। ओके, तो इसीलिए जरूरी होता है कि फंड्स को हम प्रॉपर क्या करके चले, मैनेज करके चले। अगर फंड्स को मैनेज करके नहीं चलोगे तो पूरा का पूरा ऑर्गेनाइजेशन जो है वो क्या हो जाएगा, रुक जाएगा, ठीक है ना जी सर। आइए, सो फाइनेंशियल मैनेजमेंट में ध्यान देना, फाइनेंशियल मैनेजमेंट में हम क्या करते हैं, फाइनेंशियल मैनेजमेंट में हम फर्म के जो फाइनेंशियल रिसोर्सेज है, फाइनेंशियल मैनेजमेंट में हम फर्म के फाइनेंशियल रिसोर्सेज को मैनेज करते हैं।
फर्म के जो फाइनेंशियल रिसोर्सेज हैं, फाइनेंशियल रिसोर्स मतलब पैसा, उसको हम क्या करते हैं, मैनेज करते हैं। अब पैसे को मैनेज करने के लिए हम लोग जो वो क्या कर रहे हैं, हम लोग दो काम कर रहे हैं, प्लानिंग कर रहे हैं और कंट्रोलिंग कर रहे हैं। पैसे को आपको मैनेज करना है तो मैनेजमेंट के अंदर तो प्लानिंग कंट्रोलिंग है, ठीक है। तो पैसे को अगर मैनेज करना है तो पैसे के बारे में प्लानिंग करेंगे और पैसे को क्या करेंगे, कंट्रोल करेंगे। पैसे के बारे में प्लानिंग अगर करनी है तो उसके अंदर हम लोग जो वो क्या करते हैं, प्लानिंग में हम लोग बेसिकली डिसाइड करते हैं कि हम पैसा कहां से इकट्ठा करें। तो प्लानिंग के अंदर हम लोग जो है वो सबसे पहले ये देखेंगे पैसा कहां से अरेंज करें। तो पैसा कहां से अपने को क्या करना है, अरेंज करना है, और ऐसी जगह से पैसा अरेंज करूं जहां से मेरे को पैसा सस्ता मिले, जहां पे मेरी जो कॉस्ट ऑफ कैपिटल है वो क्या, मिनिमम हो। क्योंकि अगर कॉस्ट जितनी कम होगी उतना फायदा बढ़ेगा। आप खुद सोचो, अगर आपके एक्सपेंस ज्यादा होंगे तो आपका जो सेविंग है वो क्या होगी, कम। मान लो अगर आपकी इनकम 100 रुपए है, तो अगर इनकम 100 रुपए और खर्चे अगर बढ़ेंगे तो आपकी सेविंग क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, और वही अगर खर्चे कम हो जाएंगे तो सेविंग क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। उसी तरीके से ऑर्गेनाइजेशन के अंदर अगर ऑर्गेनाइजेशन की जो कॉस्ट ऑफ कैपिटल है अगर वो कम होती है तो फर्म की जो वैल्यू है वो बढ़ती है, शेयर होल्डर की जो वेल्थ है वो बढ़ती है। और अगर ऑर्गेनाइजेशन के अंदर फर्म की जो कॉस्ट ऑफ कैपिटल है अगर वो बढ़ जाती है तो कॉस्ट अगर बढ़ेगी तो फर्म की जो वैल्यू है वो डाउन जाएगी और जो शेयर होल्डर की वेल्थ है वो भी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। आई होप सो यहां तक ओके होगा। ओके, तो बेसिकली प्लानिंग फेज के अंदर ऑर्गेनाइजेशन जो है वो क्या चाहती है, प्लानिंग फेज के अंदर हम लोग जो है सबसे पहले पैसे को इकट्ठा करना चाहते हैं, और जब हम पैसे को इकट्ठा करेंगे तो वहां पे हमारे माइंड में एक ही बात चल रही होगी, वो क्या, कि अपने को शेयर होल्डर की वेल्थ को बढ़ाना है, अपने को फर्म की वैल्यू को क्या करना है, इंक्रीज करना है। और अगर आपको फर्म की वैल्यू को क्या करना है, इंक्रीज करना है, तो उसके लिए आपको जो कॉस्ट ऑफ कैपिटल है वो क्या करना पड़ेगा, कम। तो आप ऐसी जगह से पैसा इकट्ठा करेंगे जहां से आपकी जो कॉस्ट ऑफ कैपिटल है वो क्या है, कम आए। अगर कॉस्ट कम आएगी तो हमारा जो वैल्यू ऑफ द फर्म है वो क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, और जो शेयर होल्डर की वेल्थ है वो क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। अल्टीमेट जो ऑब्जेक्टिव है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का वो क्या होता है, वैल्यू को इंक्रीज करना, शेयर होल्डर की वेल्थ को क्या करना, बढ़ाना। बोल तो मार्केट प्राइस होता शेयर है उसको क्या करना, बढ़ाना। ये बात समझ में आ रहा है क्या, बोलो जी सर। तो प्लानिंग की अगर मैं बात करता हूं तो प्लानिंग के अंदर फर्म जो है वो क्या करती है, प्लान करती है। फर्म प्लान आउट करती है कि कहां से हम पैसा क्या करें, इकट्ठा करें, कहां से हम पैसे को अरेंज करें। अब कहां से पैसे इकट्ठा करना है, तो ऐसी जगह से पैसे इकट्ठा करना जहां से, बोलो, जहां पे कॉस्ट जो है वो क्या हो, मिनिमम आए, जहां पे आपकी कॉस्ट क्या, मिनिमम। और अगर कॉस्ट अगर आपकी कम आएगी तो आपकी जो वैल्यू ऑफ द फर्म है वो क्या आएगी, ज्यादा। तो अगर कॉस्ट आपकी मिनिमम होगी तो वैल्यू ऑफ द फर्म जो है वो क्या आएगी, ज्यादा आएगी। यहां तक ओके आई थिंक, बोलो जी सर। तो प्लानिंग के अंदर ये देखते हैं, और कंट्रोलिंग में हम क्या करते हैं, पैसा इकट्ठा कर लिया प्लानिंग फेज में, आपने प्लानिंग करके जो है पैसा क्या कर लिया, इकट्ठा कर लिया। अब उस पैसे को आपको जो है वो प्रॉपर जगह पे क्या करना है, लगाना है, ताकि उसका बेस्ट यूज किया जा सके। और बेस्ट यूज का मतलब क्या है, जो भी पैसा मेरे पास अवेलेबल है, जो भी कैपिटल मेरे पास अवेलेबल है, उसको मैं ऐसी जगह पे लगाऊं जहां से मेरी रिटर्न जो है वो क्या है, ज्यादा। और अगर फर्म की रिटर्न अगर ज्यादा आएगी तो क्या शेयर होल्डर की जो वेल्थ है वो भी इंक्रीज होगी, नहीं होगी, होगी। अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव तो वही है। तो प्लानिंग और कंट्रोलिंग दोनों का जो अल्टीमेट एम है वो क्या है, वैल्यू ऑफ द फर्म को क्या करना, बढ़ाना। अल्टीमेटली हम क्या चाहते हैं, वैल्यू ऑफ द फर्म को क्या करना, बढ़ाना। एक बार थोड़ा सा यहां से देख लो दोबारा से, देखो। सो फाइनेंशियल मैनेजमेंट में फर्म के जो फाइनेंशियल रिसोर्सेज है उसको अपने को क्या करना है, मैनेज करना है। और मैनेज करने का मतलब जो है वो क्या हो गया, हम यहाँ पे क्या करेंगे, प्लानिंग एंड कंट्रोलिंग करेंगे। प्लानिंग के अंदर हम लोग जो है वो क्या करेंगे, हम देखेंगे कहां से पैसे इकट्ठा करना है, सो दैट कॉस्ट ऑफ कैपिटल जो हमारी क्या है, मिनिमम है, एंड द वैल्यू ऑफ द फर्म जो है वो क्या हो, मैक्सिमम हो। एंड कंट्रोलिंग के अंदर हम लोग जो है वो क्या करेंगे, कंट्रोलिंग में हम लोग ये देखेंगे कि फंड्स कहां पे हम लोग जो है लगाएं फॉर ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन। फंड्स कहां पे लगाएं, जहां पे उन फंड्स का, उस पैसे का प्रॉपर यूटिलाइजेशन हो, ताकि वैल्यू ऑफ द फर्म क्या हो, मैक्सिमम हो। इसलिए हम बोलते हैं प्लानिंग फेज मैनेजमेंट के अंदर प्लानिंग फेज एंड कंट्रोलिंग फेज दोनों को हम इक्वेट करते हैं। आप यही करते हो एक्चुअल के अंदर, प्लानिंग में हम डिसाइड करते हैं ये गोल अचीव करना है, और कंट्रोलिंग में चेक करते हैं क्या वो गोल अचीव हुआ या नहीं हुआ। समझ रहे हो ना, अगर दोनों चीजें बराबर हो गई, मतलब जो गोल अपने को अचीव करना था अगर वो गोल हमने अचीव कर लिया, तो हम क्या बोलेंगे, हमारी मैनेजमेंट जो है वो क्या रही, सक्सेसफुल रही। समझ में आया क्या, बोलो जी सर। तो अल्टीमेटली एम अपना यही है, ठीक है। ये अभी मैं ना आइसोलेटेड कुछ बातें आपको बता रहा हूं, और बाद में इस सबको मैं मर्ज कर दूंगा, और फिर एक पूरा का पूरा सेंटेंस अपना क्लियर होगा कि भैया फाइनेंशियल मैनेजमेंट का एक्चुअल मीनिंग क्या होता है, ठीक है ना। आई होप सो एक बार यहां तक आपको शायद क्लियर हो गया होगा, ठीक है। अब जो भी बंदा ये डिसीजन लेता है कि पैसा कहां से लूं और कहां लगाऊं, पैसा कहां से लूं बोले तो फाइनेंशियल प्लानिंग, और पैसा कहां लगाऊं बोले तो फाइनेंशियल कंट्रोल। सिंपल से इतना ध्यान रखना, ठीक है ना, क्योंकि मैनेजमेंट, देखो फाइनेंस को मैनेज करना है तो बोले तो मैनेजमेंट करना है, और मैनेजमेंट का मतलब जो है वो क्या होता है, प्लानिंग करना, कंट्रोलिंग करना। ओके, तो पैसा कहां से लूं, प्लान कर रहा हूं मैं कि पैसा कहां से लूं, ओके, ये सोच रहा, और पैसा कहां पर लगाऊं,
ताकि उसका प्रॉपर यूज किया जाए, ठीक है ना। तो ये सब डिसीजन मुझे लेना है, कहां से लूंगा ये भी डिसाइड करना है, कहां पे लगाऊंगा ये भी डिसाइड करना है। और जो बंदा ये डिसीजन मेकिंग करता है उसको बोलते हैं मैनेजर। मैनेजमेंट करने वाले बंदे को क्या बोलते हैं? मैनेजर। और पैसे को मैनेज करने वाले बंदे को जो बोलते हैं क्या? फाइनेंस मैनेजर। क्या बोलेंगे? फाइनेंस मैनेजर। और फाइनेंस मैनेजर जो फंक्शन परफॉर्म करता है उसको बोलते हैं फाइनेंशियल मैनेजमेंट। क्या बोलेंगे? फाइनेंशियल मैनेजमेंट। तो फाइनेंशियल मैनेजर के द्वारा फाइनेंस को प्लान एंड कंट्रोल करने के लिए जो भी प्रोसीजर किया जाता है उसी को बोलते हैं जनरली हम लोग क्या? फाइनेंशियल मैनेजमेंट। तो फाइनेंशियल मैनेजमेंट के अंदर हम लोग क्या करते हैं? फाइनेंस को मैनेज करने का काम करते हैं। आओ पढ़ते हैं। नाउ मैनेजमेंट के जो डिसीजन है वो कौन लेते हैं? मैनेजर। मैनेजमेंट के जो डिसीजन है वो कौन लेगा? मैनेजर। एंड फाइनेंशियल मैनेजमेंट के जो डिसीजन है वो कौन लेगा? वो लेगा जी फाइनेंस मैनेजर। जो फाइनेंशियल मैनेजमेंट के डिसीजन है वो कौन लेगा? फाइनेंस मैनेजर लेगा, ठीक है। ये जो फाइनेंस मैनेजर है इसी को हम लोग जो सीएफओ बोल देते हैं, इसको अलग अलग नाम से हम लोग पुकारते हैं। इसको सीएफओ बोलते हैं, चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर ये भी बोलते हैं, इसको फाइनेंशियल डायरेक्टर, इसको कंट्रोलर, ये सब बोल दिया जाता है। तो ये इसके अलग अलग जो है वो नेम है, ठीक है ना, ये थोड़ा ध्यान रखना। तो देखो मैनेजमेंट करने वाला बंदा होता है मैनेजर, तो फाइनेंशियल मैनेजमेंट करने वाला जो बंदा रहेगा वो कौन होगा? फाइनेंस मैनेजर। फाइनेंस मैनेजर के अदर जो नेम है वो क्या? सीएफओ, फाइनेंशियल डायरेक्टर या फिर कंट्रोलर एक्सेट्रा, ठीक है। इस फाइनेंशियल मैनेजर को रिस्पॉन्सिबिलिटी सौंपी जाती है, ये जो फाइनेंशियल मैनेजर है इसको रिस्पॉन्सिबिलिटी सौंपी जाती है क्या करने का? फाइनेंशियल प्लानिंग एंड फाइनेंशियल कंट्रोल करने का। ध्यान दीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। अब ये सब चीजें जो अलग अलग कड़ियां थी उनको जोड़ने का काम करेंगे, ठीक है। तो मैनेजमेंट करने वाला बंदा होता है मैनेजर, एंड फाइनेंशियल मैनेजमेंट करने वाला बंदा कौन होगा? फाइनेंस मैनेजर। जो फाइनेंस मैनेजर है उसको रिस्पॉन्सिबिलिटी दी जाती है क्या करने का? फाइनेंस को मैनेज करने का, ठीक है बोले तो। और फाइनेंस को मैनेज का मतलब क्या हो गया? फाइनेंशियल प्लानिंग एंड फाइनेंशियल कंट्रोल। ध्यान दीजिएगा, क्योंकि मैनेजमेंट में क्या था? प्लानिंग एंड कंट्रोल। तो फाइनेंशियल मैनेजमेंट में क्या आएगा? फाइनेंशियल प्लानिंग एंड फाइनेंशियल कंट्रोल। ओके, तो यहां पे मैंने जो है वो क्या लिखा, ये जो अपना सीएफओ होता है बोले तो फाइनेंशियल मैनेजर होता है, इसको रिस्पॉन्सिबिलिटी सौंपी जाती है क्या करने का? फाइनेंशियल प्लानिंग एंड फाइनेंशियल कंट्रोल करने का, ठीक है ना। सीएफओ क्या करेगा? कॉन्ट्रीब्यूट करेगा एंड हेल्प करेगा अचीव करने में ऑब्जेक्टिव ऑफ मैक्सिमाइजेशन ऑफ द शेयर होल्डर वेल्थ। हमारी ऑर्गेनाइजेशन का जो सबसे मेन ऑब्जेक्टिव है वो क्या? शेयर होल्डर की वेल्थ को क्या करना? इंक्रीज करना। और शेयर होल्डर की वेल्थ को इंक्रीज करने में जो मेन भूमिका निभाएगा वो कौन होगा? वो होगा आपका सीएफओ या फिर फाइनेंशियल मैनेजर। आई होप सो यहां तक ओके होगा, ठीक है। तो बेसिकली फाइनेंस मैनेजर, फाइनेंशियल मैनेजमेंट का जो जिम्मा है वो किसको सौंपा जाएगा? फाइनेंस मैनेजर को। और फाइनेंस मैनेजर क्या करेगा? फाइनेंशियल प्लानिंग एंड फाइनेंशियल कंट्रोल करेगा। क्या करेगा? फाइनेंशियल प्लानिंग एंड फाइनेंशियल कंट्रोल। फाइनेंशियल प्लानिंग में वो डिसाइड करेगा कहां से पैसा लूं, फाइनेंशियल कंट्रोल में वो डिसाइड करेगा कहां पे पैसा लगाऊं। और ये सब डिसीजन लेने में वो जो डिसीजन मेकिंग करता है, ये मतलब ये सब काम करने फाइनेंशियल मैनेजमेंट करने में वो जो डिसीजन मेकिंग करेगा ना उसी को बोलते हैं बेसिकली, मतलब उसके द्वारा जो डिसीजन दिया जाएगा उसको बोलते हैं फाइनेंस डिसीजन। तो फाइनेंशियल मैनेजमेंट करने के लिए फाइनेंशियल मैनेजर को डिसीजन लेने होंगे, एंड फाइनेंशियल मैनेजर के द्वारा जो डिसीजन लिए जाते हैं दीज डिसीजन आर नोन एज द फाइनेंस डिसीजन। एंड फाइनेंस डिसीजन को ओवरऑल मिलाकर के तीन डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स में बाइफरकेट किया जाता है। यहां पे हम क्या बोलते हैं? फॉर द पर्पस ही इज रिक्वायर्ड टू टेक वेरियस डिसीजन, दैट इज जिसको बोलते हैं हम लोग क्या? फाइनेंशियल डिसीजन। और जो फाइनेंशियल डिसीजन है उनको 3A या बेसिकली 3 पार्ट्स के अंदर हम लोग जो है वो क्या करते हैं? डिवाइड करते हैं। सबसे पहला जो डिसीजन है वो है आपका इन्वेस्टमेंट डिसीजन। इन्वेस्टमेंट डिसीजन के अंदर फाइनेंशियल मैनेजर जो है वो डिसाइड करता है हम पैसा कहां पे लगाएं, हम कितना पैसा लॉन्ग टर्म सोर्स, लॉन्ग टर्म अपने जो असेट्स हैं वहां पे लगाएं और कितना पैसा शॉर्ट टर्म असेट्स में लगाएं। तो सबसे पहला जो डिसीजन एक फाइनेंशियल मैनेजर लेगा वो है जी आपका इन्वेस्टमेंट डिसीजन। इन्वेस्टमेंट डिसीजन के अंदर जो फाइनेंशियल मैनेजर है वो डिसाइड करता है कि जो भी पैसा हमने इकट्ठा किया है उस पैसे को हम कहां पे क्या करें? एलोकेट करें। तो पैसे का जो है वो कहां पे उसका एलोकेशन करें। ओके, एलोकेशन ऑफ फंड के अंदर हम ये देखते हैं कि फंड्स को लगाने का काम करना है अपने को। यहां पे क्या करना है? फंड्स को लगाने का काम करना है। और फंड्स को अगर आपने लगाना है तो आप यहां पे डिसाइड करोगे कितना पैसा लॉन्ग टर्म असेट्स में लगाएं, कितना पैसा शॉर्ट टर्म, कितना पैसा लॉन्ग टर्म एसेट्स में लगाएं। तो उसके लिए जो डिसीजन आप लोगे उसको बोलते हैं कैपिटल बजटिंग डिसीजन। क्या बोलोगे? कैपिटल बजटिंग डिसीजन। एक बार मैं ना दोबारा हिंदी में देसी भाषा में बोलता हूं आपको। फाइनेंशियल मैनेजमेंट करने के लिए फाइनेंशियल मैनेजमेंट कौन करेगा? फाइनेंशियल मैनेजर। यहां तक ओके। दूसरा, फाइनेंशियल मैनेजमेंट करने के लिए फाइनेंशियल मैनेजर को कुछ डिसीजन लेने पड़ेंगे, उन डिसीजन को बोलते हैं फाइनेंस डिसीजन। यहां तक ओके। फाइनेंस डिसीजन में मेन तीन तरह के डिसीजन आते हैं, ठीक है जी, जिनको 3A भी बोलते हैं। 3A में एक तो जो A है उसको बोलेंगे एलोकेशन,
एक है जिसको बोलेंगे एक्विजिशन और एक ए है उसको बोलेंगे एप्रोप्रिएशन। इसको थ्री ए के नाम से भी पुकारते हैं। ठीक है, जो पहला डिसीजन जो अपने को लेना होता है वो है क्या, इन्वेस्टमेंट डिसीजन। इन्वेस्टमेंट डिसीजन के अंदर हम लोग ये देखते हैं कि अपने को कितना पैसा लॉन्ग टर्म एसेट में लगाना है, कितना पैसा शॉर्ट टर्म एसेट में। कितना पैसा लॉन्ग टर्म एसेट में लगाऊं उसके लिए जो मुझे डिसीजन लेना है उसको बोलेंगे हम लोग क्या, कैपिटल बजटिंग डिसीजन। ठीक है जी, कितना पैसा शॉर्ट टर्म एसेट्स में लगाना है उसके लिए जो मुझे डिसीजन मेकिंग करनी है उसको बोलेंगे क्या, वर्किंग कैपिटल डिसीजन, जिसके अंदर इन्वेंटरी मैनेजमेंट, डेटर मैनेजमेंट, ठीक है ना, और रिसीवेबल मैनेजमेंट, ये सब हम पढ़ते हैं। ठीक है ना, तो बेसिकली अगर वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट की बात करें तो इसके अंदर इन्वेंटरी मैनेजमेंट हो गया, डेटर मैनेजमेंट हो गया, और आपका रिसीवेबल मैनेजमेंट, ये सब चीजें आती हैं। ठीक है ना, कैश मैनेजमेंट, ये सब जो है इसके अंदर आएगा, कैश मैनेजमेंट ये सब इसका पार्ट है। ओके, तो ये डिसीजन अपने को लेने होते हैं। ठीक है, तो सबसे पहला काम जो है वो अपने को ये देखना है, मतलब जिसके अंदर हम लोग ये देखेंगे कि भैया कितना पैसा इन्वेस्ट करना है। अब इन्वेस्टमेंट कहां पे करेंगे, ये तो लॉन्ग टर्म में या शॉर्ट टर्म एसेट में। लॉन्ग टर्म एसेट में जो आपने डिसीजन, मतलब अब लॉन्ग टर्म एसेट भी तो बहुत तरह की होती है, किस लॉन्ग टर्म एसेट में पैसा लगाऊं, किस प्रोजेक्ट में पैसा लगाऊं, उसके लिए जो मुझे डिसीजन मेकिंग करनी है उसको बोलेंगे कैपिटल बजटिंग डिसीजन, जो बेसिकली इरिवर्सिबल इन नेचर होते हैं। ठीक है, एक बार जो डिसीजन ले लिया फिर आप वापस चेंज नहीं कर सकते। ठीक है जी, दूसरी अगर बात करें, अब शॉर्ट टर्म के लिए भी आपको डिसाइड करना होता है कि कौन सी शॉर्ट टर्म एसेट में कितना पैसा हम लोग जो है वो क्या करें, एम्प्लॉय करें। तो उसके लिए जो आपको डिसीजन लेना होता है उसको बोलते हैं वर्किंग कैपिटल डिसीजन। और वर्किंग कैपिटल डिसीजन के अंदर हम लोग जो है वो क्या करते हैं, कैश मैनेजमेंट करते हैं, इन्वेंट्री मैनेजमेंट करते हैं, डेटर मैनेजमेंट करते हैं, एंड रिसीवेबल मैनेजमेंट, ये सब काम जो है वो इसके अंदर किया जाता है। ठीक है जी, दूसरा जो डिसीजन है, जब आपको यह पता चल गया कि कितना पैसा इन्वेस्ट करना है तो उतना पैसा आपको क्या करना पड़ेगा, रेस करना पड़ेगा। जब आपको यह पता चल गया कि लॉन्ग टर्म एसेट में कितना लगाना है, शॉर्ट टर्म एसेट में कितना लगाना है, अब मान लो लॉन्ग टर्म में 1 करोड़ लगाना है और शॉर्ट टर्म में 1 करोड़, तो टोटल मिलाकर आपको कितना पैसा चाहिए, 2 करोड़। अब 2 करोड़ रुपया आपको क्या करना है, इकट्ठा करना है, आपको 2 करोड़ रुपए एक्वायर करने हैं। तो उसके लिए जो आप डिसीजन लेते हो उसको बोलते हैं फाइनेंसिंग डिसीजन। क्या बोलेंगे, फाइनेंसिंग। तो सेकंड नेचर पे जो डिसीजन आएगा उसको बोलेंगे हम लोग क्या, फाइनेंसिंग। पहले डिसीजन में फाइनेंशियल मैनेजर ने डिसाइड कर लिया कि कितना पैसा उसको चाहिए, कितना पैसा उसको चाहिए लॉन्ग टर्म एसेट्स के लिए, कितना पैसा उसको चाहिए शॉर्ट टर्म एसेट्स के लिए, यहां तक ओके। अब उसको टोटल फंड्स की रिक्वायरमेंट का पता चल गया। अब जो पैसा उसको पता चला भाई इतना पैसा मुझे चाहिए, एग्जाम्पल 2 करोड़ रुपया उसको टोटल चाहिए था, अब वो 2 करोड़ रुपया कहां से हम इकट्ठा करें, कहां से उस पैसे को रेज करें, उसके लिए जो डिसीजन मेकिंग करनी होती है उसको बोलते हैं हम लोग क्या, फाइनेंसिंग डिसीजन। फाइनेंसिंग डिसीजन के अंदर हम लोग सबसे पहले ये देखते हैं, पैसा अपने को कितना चाहिए, मान लो 2 करोड़। इस 2 करोड़ रुपए को इकट्ठा करने के लिए कई सारे सोर्सेस हमारे पास में अवेलेबल है, कई सारे क्या है, सोर्सेज अवेलेबल है। तो मतलब फंड्स को अपने क्या करना है, कलेक्ट करना है, तो उसके लिए कई सारे आपके पास क्या अवेलेबल है, सोर्सेज। आप पैसा कहां कहां से ले सकते हो, डेट से ले सकते हो, इक्विटी से ले सकते हो, प्रेफरेंस शेयर से ले सकते हो, बैंक लोन एक्सेट्रा। ठीक है जी, जी सर, तो आपके पास अलग अलग सोर्सेज अवेलेबल है जहां से आप पैसे क्या कर सकते हो, उधार ले सकते हो। ठीक है, अब डिफरेंट जो सोर्स है उन सब की अपनी अपनी क्या होती है, कॉस्ट। अगर आप बैंक से पैसा लेने जाओगे तो बैंक आपसे क्या मांगेगा, ब्याज मांगेगा। अगर आप डिबेंचर वालों से पैसा रेज करोगे तो डिबेंचर वाले आपसे बदले में क्या लेंगे, ब्याज लेंगे, डिबेंचर के ऊपर इंटरेस्ट आएगा। अगर आप शेयर होल्डर से पैसा आप इकट्ठा करोगे तो शेयर होल्डर बदले में आपको पे करना पड़ेगा क्या, डिविडेंड का भुगतान करना पड़ेगा। अगर आप प्रेफरेंस शेयर होल्डर से पैसा लोगे तो उसको बदले में रिटर्न के तौर पर क्या देना पड़ेगा, डिविडेंड का भुगतान करना पड़ेगा। इसका मतलब क्या हो गया कि हर जो आपका सोर्स है पैसे इकट्ठा करने का, जो हर जो आपका साधन है, हर सोर्स की अपनी एक क्या कॉस्ट है, और जो कॉस्ट है वो कभी भी सेम नहीं होती है। इसका मतलब इक्विटी से पैसे इकट्ठा करोगे तो आपकी जो लागत है कुछ और होगी, डेट से इकट्ठा करोगे तो लागत कुछ और आएगी, बैंक से पैसा लोगे तो लागत कुछ और आएगी, प्रेफरेंस से पैसा लोगे तो लागत कुछ और आएगी। अब आपको डिसाइड करना होता है कि कहां से कितना कितना पैसा मैं इकट्ठा करूं। ठीक है, तो सबसे पहले जब आपको यह पता चल गया कितना पैसा आपको चाहिए तो अब आप ये डिसाइड करोगे उस पैसे को इकट्ठा कहां से करें। तो इकट्ठा करने के लिए सबसे पहले नंबर पे आप देखोगे सोर्सेस क्या क्या, मैं पैसा कहां कहां से ले सकता हूं। ठीक है जी, फिर आप देखोगे हर सोर्स की कितनी कॉस्ट आ रही है, क्योंकि मेरे माइंड में एक ही बात चल रही है कि मुझे सस्ता पैसा लेना है, जितना मेरी कॉस्ट क्या आएगी कम आएगी उतनी मेरी वैल्यू क्या होगी बढ़ेगी। अल्टीमेटली मेरा ऑब्जेक्टिव क्या है, फर्म की वैल्यू को इंक्रीज करना, शेयर होल्डर की वेल्थ को क्या करना, बढ़ाना। और शेयर होल्डर की वेल्थ कब बढ़ेगी, जब फर्म की वैल्यू बढ़ेगी। और फर्म की वैल्यू कब बढ़ेगी, जब कॉस्ट जो है वो क्या होगी, मिनिमम होगी। और कॉस्ट अगर मिनिमम है तो वहां पे मुझे डिसाइड करना पड़ेगा कि डिफरेंट डिफरेंट सोर्सेज जो अवेलेबल है उनमें से कौन से सोर्स से मुझे पैसा इकट्ठा करना चाहिए। ठीक है ना, तो यहां पे हम लोग डिसाइड करते हैं, अलग अलग सोर्सेज चेक करते हैं, हर सोर्स की अपनी कॉस्ट होती है, तो हम कॉस्ट चेक करेंगे। जब आप पैसा इकट्ठा करने की सोच रहे होगे किससे, डेट से, इक्विटी से, तो वहां पर आप लीवरेज का एनालिसिस भी करोगे, जिसके अंदर आप ऑपरेटिंग लीवरेज भी चेक करोगे, फाइनेंशियल लीवरेज भी चेक करोगे, कंबाइंड लीवरेज भी चेक करोगे, वर्किंग कैपिटल लीवरेज भी चेक
करोगे। और फिर उसके बाद में आप लोग जो है डिसाइड कर लिए जब आपने कि पैसा कहां से लेना है, फिर आप बनाओगे अपना कैपिटल स्ट्रक्चर, जिसके अंदर आप ये डिसाइड करोगे कि कितना पोर्शन डेट से लूं और कितना पोर्शन इक्विटी से। तो जो सेकंड डिसीजन एक फाइनेंशियल मैनेजर को लेना होता है वो है क्या, फाइनेंसिंग डिसीजन, जिसको बोलते हैं बेसिकली हम लोग क्या, इसके अंदर फाइनेंशियल मैनेजर जो है वो क्या करता है, फंड्स को एक्वायर करने का काम करता है, बेसिकली जो है वो क्या करता है, फंड्स को कलेक्ट करने का काम करता है, जिसमें वो क्या करेगा, चार काम करेगा। सबसे पहले देखेगा सोर्सेस क्या क्या, फिर देखेगा हर सोर्स की अपनी एक कॉस्ट है, कितनी कॉस्ट आ रही है, फिर वो देखेगा लीवरेज एनालिसिस, और फिर वो करेगा क्या, कैपिटल स्ट्रक्चर डिसीजन। ओके जी सर, अब पैसा इकट्ठा कर लिया, जहां लगाना था वहां लगा दिया, अब साल के लास्ट में हम लोग जो है वो क्या करेंगे, अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट को प्रिपेयर करेंगे। फाइनेंशियल स्टेटमेंट को प्रिपेयर करने के बाद में हम लोग अपना प्रॉफिट एंड लॉस निकालेंगे, सबका पेमेंट पूमेंट करने के बाद में अब जो पैसा बचेगा, अब अपने को क्या करना है, वो पैसा उसको बोलेंगे हम लोग प्रॉफिट। उस प्रॉफिट को अब हम लोग जो है वो क्या करना, क्या क्या चाहेंगे, उसको अप्रोप्रिएट करना चाहेंगे। अब अपने को एक तीसरा डिसीजन और लेना होता है। अब फाइनेंशियल मैनेजर के पास में जो मेन जो प्रॉब्लम आती है वो ये आती है कि भाई प्रॉफिट तो पड़ा है, अब इस प्रॉफिट का कितना हिस्सा मैं अपने पास रखूं फर्म के अंदर रिजर्व के तौर पे, और कितना हिस्सा मैं इसको आगे जो है वो क्या करूं, बांटूं शेयर होल्डर के बीच में डिविडेंड के तौर पे। उसके लिए जो डिसीजन लेना पड़ता है फाइनेंशियल मैनेजर को, उसको बोलते हैं हम लोग क्या, डिविडेंड डिसीजन। तो तीसरा जो डिसीजन है उसको बोलेंगे हम लोग क्या, डिविडेंड डिसीजन, जिसके अंदर हम क्या करते हैं, एप्रोप्रिएशन करते हैं किसका, प्रॉफिट का। यहां पर हम प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट करने का काम करते हैं। यहां पर फाइनेंशियल मैनेजर जो है वो क्या करता है, डिसाइड करता है कि प्रॉफिट का कितना पोर्शन हम डिस्ट्रीब्यूट करें डिविडेंड के तौर पे, और कितना पोर्शन हम रिटेन करें रिजर्व के तौर पे। इसको, ये जो डिसीजन है इसी को बोलते हैं हम लोग क्या, डिविडेंड डिसीजन। क्या बोलेंगे, डिविडेंड डिसीजन। अब एक नटशेल में एक बात बोलता हूं, फाइनेंस को मैनेज करने के लिए फाइनेंशियल मैनेजर कई तरह के डिसीजन लेते हैं। उन कई तरह के डिसीजंस को कलेक्टिवली हम बोलते हैं फाइनेंस डिसीजन। जो वो फाइनेंस डिसीजन है उनको हम लोग तीन डिफरेंट डिफरेंट डिसीजन में बाइफरकेट करते हैं। एक है आपका इन्वेस्टमेंट डिसीजन, जहां पे हम ये डिसाइड करते हैं कितना पैसा लॉन्ग टर्म एसेट में लगाए, कितना शॉर्ट टर्म। एक है फाइनेंस डिसीजन, जिसमें हम ये डिसाइड करते हैं कितना पैसा कहां कहां से इकट्ठा करना है। और एक है आपका क्या, डिविडेंड डिसीजन, जिसमें हम डिसाइड करते हैं कि प्रॉफिट का कितना पोर्शन अपने पास में रिटेन करें और कितना पोर्शन हम लोग जो वो क्या करें, डिस्ट्रीब्यूट करें। और ये जो डिसीजन मेकिंग है यही है बेसिकली फाइनेंशियल मैनेजमेंट। ये क्या है, फाइनेंशियल मैनेजमेंट। आओ नीचे देखते हैं। जब कभी भी, अच्छा अब खास बात क्या, जब भी हम फाइनेंशियल मैनेजर, हम मतलब फाइनेंशियल मैनेजर, जब भी फाइनेंशियल मैनेजर ये सब डिसीजन ले रहा होता है, तो उस टाइम पे वो टाइम वैल्यू ऑफ मनी के कॉन्सेप्ट को भी जो है ध्यान में रखता है। बेसिकली डिस्काउंटिंग टेक्निक और कंपाउंडिंग टेक्निक, इनको भी वो ध्यान में रखता है। अभी के लिए बस इतना ध्यान रखना कि जब कभी भी आप कोई भी डिसीजन मेकिंग करोगे तो टीवीएम का कॉन्सेप्ट जो है, टाइम वैल्यू ऑफ मनी, उसको हमेशा आपने ध्यान में रखोगे। ठीक है जी। अब यहां पर जो है वो क्या बात निकल के आई, एट द टाइम ऑफ टेकिंग एनी फाइनेंशियल डिसीजन, कोई भी डिसीजन जब आपको लेना होता है, चाहे कोई भी फाइनेंशियल डिसीजन जब आपको लेना है, चाहे वो आपका इन्वेस्टमेंट है, चाहे वो आपका फाइनेंशियल है, और चाहे वो आपका डिविडेंड है, कोई भी डिसीजन आपको जब लेना होता है, तो आप वहां पे हर डिसीजन का पहले रिस्क एंड रिटर्न ट्रेड ऑफ निकालते हो। आप ये देखते हो अगर मैं उस डिसीजन को लेता हूं तो उसमें कितना रिस्क है और बदले में मुझे कितना रिटर्न मिलेगा। ठीक है ना। तो क्या बोलते हैं, एट द टाइम ऑफ टेकिंग एनी फाइनेंशियल डिसीजन, जब कभी भी आप कोई भी डिसीजन को लेने की बात करते हो, तो फाइनेंशियल मैनेजर हैज टू ऑप्टिमाइज। तो फाइनेंशियल मैनेजर को वहां पे क्या करना पड़ता है, ऑप्टिमाइज करना पड़ता है रिस्क एंड रिटर्न को। एक पर्टिकुलर जो कॉम्बिनेशन होता है रिस्क एंड रिटर्न का, जहां पे दोनों के दोनों ऑप्टिमाइज है, जहां पे दोनों ही कम है, मतलब रिस्क जो है वो भी कम है और रिटर्न अपनी क्या मैक्सिमम, जहां रिस्क कम और रिटर्न ज्यादा है, उस पॉइंट को बोलते हैं बेसिकली हम लोग क्या, रिस्क रिटर्न ट्रेड ऑफ। तो क्या बोलते हैं, एक पर्टिकुलर कॉम्बिनेशन जहां पे रिस्क एंड रिटर्न वेयर बोथ आर ऑप्टिमाइज, और ऑप्टिमाइज कब होंगे, जब रिस्क कम होगा और रिटर्न क्या होगी, ज्यादा होगी, उसको बोलते हैं हम लोग क्या, रिस्क रिटर्न ट्रेड ऑफ। तो ऐसा पॉइंट जहां पे रिस्क कम है और रिटर्न ज्यादा है, तो उस पॉइंट को बोलते हैं हम लोग क्या, रिस्क रिटर्न ट्रेड ऑफ। ओके और इस लेवल पे, एट दिस लेवल ऑफ रिस्क एंड रिटर्न, द मार्केट प्राइस जो है शेयर का, वो सबसे क्या होता है, मैक्सिमम। जहां पे, अब आप खुद सोचो, जहां पे रिस्क बिल्कुल नहीं होगा और रिटर्न बहुत ज्यादा आ रहा होगा, तो वहां पे फर्म की जो वैल्यू है वो कम होगी या ज्यादा होगी, बताओ सर। फर्म की वैल्यू वहां पे क्या होगी, मैक्सिमाइज होगी। क्या होगी, मैक्सिमाइज होगी। यहां तक ओके क्या, बोलो जी सर। ये लाइन मैं दोबारा पढ़ा दूं, बोलते हैं एट द टाइम ऑफ टेकिंग एनी फाइनेंशियल डिसीजन, जब कभी भी फाइनेंशियल मैनेजर कोई भी फाइनेंशियल डिसीजन ले रहा होता है, तो उस टाइम पे ध्यान दीजिएगा, उस टाइम पे वो रिस्क एंड रिटर्न को भी हमेशा ध्यान में रखता है। वो ये देखते हैं कि कोई भी पर्टिकुलर डिसीजन अगर मैं लूंगा तो उसमें कितना रिस्क है और उसमें कितना मुझे क्या मिलेगा, रिटर्न। जो ऑप्टिमम जो सिनेरियो है वो क्या होता है, जिसको रिस्क एंड रिटर्न ट्रेड ऑफ बोलते हैं, जहां पे रिस्क बिल्कुल क्या हो, कम हो और रिटर्न क्या हो, ज्यादा। ठीक है ना। तो जहां पे रिस्क मिनिमम और रिटर्न क्या हो, मैक्सिमम हो, उस पॉइंट को बोलते हैं क्या, रिस्क रिटर्न ट्रेड ऑफ।
क्या बोलेंगे, रिस्क रिटर्न ट्रेड ऑफ। और इस लेवल पे रिस्क रिटर्न के इस लेवल पे जो फर्म का जो मार्केट प्राइस होता है वो सबसे क्या होता है, मैक्सिमम। क्या होता है, मैक्सिमम। आगे आइएगा, अब इसको वाइंड अप करते हैं, ध्यान दीजिएगा। फाइनेंशियल मैनेजमेंट में एक फाइनेंशियल मैनेजर कई तरह के डिसीजन लेता है, ध्यान दीजिएगा। फाइनेंशियल मैनेजमेंट में एक मैनेजर, मतलब कौन सा मैनेजर, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजर, नहीं सर, फाइनेंस मैनेजर। तो फाइनेंशियल मैनेजमेंट में एक फाइनेंशियल मैनेजर कई तरह के डिसीजन लेता है जिनको बोलते हैं फाइनेंशियल डिसीजन। जब भी आप ये डिसीजन लेते हो तो आपको लीगल कंस्ट्रेंट को ध्यान में रखना होता है, जो लीगल रिक्वायरमेंट्स है वो आपको ध्यान में रखनी होती है, ठीक है। लीगल रिक्वायरमेंट्स को ध्यान में रखते हुए फाइनेंशियल मैनेजर कुछ डिसीजन लेगा, ठीक है जी। वो डिसीजन क्या होंगे, लाइक इन्वेस्टमेंट डिसीजन, कहां पे पैसा लगाएं, लाइक फाइनेंसिंग डिसीजन, कहां से पैसा लें, लाइक डिविडेंड डिसीजन, प्रॉफिट का कितना पोर्शन जो है हम अपने पास रखें, कितना पोर्शन आगे क्या करें, डिस्ट्रीब्यूट करें, लाइक अदर डिसीजन जिसके अंदर हम ये देखते हैं कि ट्रेजरी, मतलब ट्रेजर मैनेजमेंट हो गया, कैश को मैनेज करना, ये सब चीजें, ठीक है। जब भी आप ये डिसीजन लेते हो तो ये डिसीजन आपके रिस्क एंड रिटर्न को क्या करते हैं, अफेक्ट करते हैं। जब भी आप कोई भी डिसीजन लोगे ना तो वो आपके रिस्क को और आपके रिटर्न को क्या करेंगे, अफेक्ट। अगर आप स्कूटी तेज चलाने का डिसीजन ले रहे हो तो आपका रिस्क जो है वो क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। लेकिन एक फायदा ये होने वाला है, अगर स्कूटी तेज चलाओगे तो आप जल्दी ही पहुंचोगे, लेकिन अगर स्कूटी तेज चलाओगे तो खतरा भी है। क्या खतरा है, खतरा क्या है, खतरा यह है कि हम गिर भी सकते हैं, खतरा ये हमारा एक्सीडेंट भी हो सकता है, लेकिन फायदा क्या है, फायदा यह कि हम जल्दी पहुंच सकते हैं, ठीक है ना। तो जब कभी भी आप कोई भी डिसीजन लेते हो तो वो डिसीजन आपके रिस्क एंड रिटर्न फैक्टर को क्या करता है, अफेक्ट करता है। तो मैंने क्या बोला, फाइनेंशियल मैनेजर जब कभी भी फाइनेंसिंग डिसीजन लेगा, जब कोई भी फाइनेंशियल डिसीजन लेगा, ठीक है, तो वो डिसीजन अफेक्ट करते हैं किसको, रिस्क एंड रिटर्न को। तो वो डिसीजन जो है, मतलब जब भी आप कोई भी डिसीजन लेते हो तो वो जो डिसीजन है वो एक फर्म के रिस्क एंड रिटर्न कंपोजिशन को क्या करते हैं, अफेक्ट करते हैं। तो वो रिस्क एंड रिटर्न कंपोजिशन को क्या करते हैं, अफेक्ट करते हैं। और ये जो रिस्क एंड रिटर्न है ये आपकी वैल्यू ऑफ द फर्म को भी क्या करेगा, अफेक्ट करेगा। ध्यान दीजिएगा, एक फाइनेंशियल मैनेजर डिसीजन लेगा, वो डिसीजन फर्म के रिस्क एंड रिटर्न को अफेक्ट करेंगे, और जो रिस्क एंड रिटर्न है ये आपके वैल्यू को क्या करेगा, अफेक्ट करेगा। ये वैल्यू को क्या करेगा, अफेक्ट करेगा। तो इसका मतलब फाइनेंशियल मैनेजर के द्वारा जो डिसीजन लिए जाएंगे वो फर्म की वैल्यू को क्या करेंगे, अफेक्ट करेंगे। इसीलिए फाइनेंशियल मैनेजमेंट बहुत ज्यादा जो है वो क्या, इंपॉर्टेंट है, और इसको पीवट भी बोला जाता है, बेसिकली ये सेंट्रल पॉइंट है, ठीक है ना जी सर। आई होप समझ में आ गया होगा शायद आपको। सो ये जो भी हमने पूरा तामझाम ये पढ़ा, जो भी बोल बचन करे, अब इसका निष्कर्ष जो है वो क्या निकल के है उसको हम नेक्स्ट में देख लेते हैं। सो द अबव डिस्कशन शोज दैट कि फाइनेंशियल मैनेजमेंट का मेन जो कंसर्न है उसमें हम क्या करते हैं, डिसीजन लेते हैं। फाइनेंशियल मैनेजमेंट इज कंसर्न विद वेरियस टाइप ऑफ डिसीजन, ठीक है जी, हैज एन ऑपरेशनल गोल, और जो भी डिसीजन लिया जाएगा उसके पीछे गोल होगा, और गोल क्या है, मैक्सिमाइजेशन ऑफ शेयर होल्डर वेल्थ। हमारा गोल क्या है, मैक्सिमाइज करना क्या, शेयर होल्डर की वेल्थ को, ठीक है। जब भी आप ये डिसीजन लेते हो जो, और क्या डिसीजन क्यों ले रहे हैं, हमारा एक गोल है गोल को पूरा करने के लिए। जब भी आपको डिसीजन लोगे तो डिसीजन लेने के लिए आप क्या करोगे, बहुत सारे अल्टरनेटिव को क्या करोगे, एनालाइज करोगे। तो यहां पे इट इंक्लूड एनालिसिस ऑफ डिफरेंट टाइप ऑफ इंफॉर्मेशन, तो यहां पे हम अलग अलग तरह की इंफॉर्मेशन को क्या करेंगे, एनालाइज करेंगे। फिर उसके बाद में हम लोग क्या करेंगे, अलग अलग जो हमारे पास अल्टरनेटिव अवेलेबल है उनका रिस्क एंड रिटर्न को एनालाइज करेंगे, एंड फिर इट एनकंपास द मैनेजमेंट ऑफ द लॉन्ग टर्म एज वेल एज शॉर्ट टर्म एसेट। और इसके अंदर हम डिसाइड करते हैं लॉन्ग टर्म एसेट में कितना पैसा लगाना है, शॉर्ट टर्म एसेट में कितना पैसा लगाना है, बेसिकली उनको मैनेज करने का भी काम किया जाता है। बोलो समझ में आया क्या है, थोड़ा सा ज्यादा तो नहीं हो गया, फर्स्ट लेक्चर है आज, थोड़ा सा बस अपने को बेसिक बेसिक चीजें अभी जो है वो कवर करनी है, ओके। देन उसके बाद फिर पेस खींच देंगे हम इसको। तो नटशेल में अगर बात करेंगे फाइनेंशियल मैनेजमेंट क्या है, फाइनेंशियल मैनेजमेंट के अंदर हम डिसीजन मेकिंग करते हैं, क्या डिसाइड करते हैं, कितना पैसा लगाना है इन्वेस्टमेंट डिसीजन, कितना पैसा कहां से लेना है फाइनेंसिंग डिसीजन, और कितना पैसा बांटना है शेयर होल्डर के बीच में, वो है आपका डिविडेंड डिसीजन। ये डिसीजन लेने का काम कौन करता है, फाइनेंशियल मैनेजर करता है। तो फाइनेंशियल मैनेजर बेसिकली दो काम कर रहे हैं, फाइनेंशियल प्लानिंग कर रहे हैं, फाइनेंशियल कंट्रोल कर रहे हैं। यहां तक ओके क्या, बोलो जी सर। तो फाइनेंशियल मैनेजर के द्वारा जो भी डिसीजन मेकिंग की जाती है क्या करने के लिए, फाइनेंस को मैनेज करने के लिए, फाइनेंस को कंट्रोल करने के लिए, उसी को बोला जाता है फाइनेंशियल मैनेजमेंट। तो फाइनेंशियल मैनेजमेंट के अंदर हम लोग क्या करते हैं, फाइनेंस को मैनेज करने का काम करते हैं, और फाइनेंस को मैनेज करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, फाइनेंशियल कंट्रोलिंग करते हैं, फाइनेंशियल प्लानिंग करते हैं। आई होप यहां तक ओके होगा, बोलो जी सर। तो क्या होता है फाइनेंशियल मैनेजमेंट, आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। ये था हमारा आज का लेक्चर, तो हमने
बजरंग बली का नाम लेके लेक्चर को स्टार्ट किया था। सबसे पहले हमने देखा सिलेबस के बारे में, तो शायद आपको क्लैरिटी हो गया होगा। हमने अपना एक जो कॉमन सब्जेक्ट है उसको हमने स्टार्ट किया फाइनेंशियल मैनेजमेंट को, जिसमें हम लोगों ने देखा फाइनेंशियल मैनेजमेंट क्या है, ये दो वर्ड से मिलकर बना था, एक था फाइनेंस एक था मैनेजमेंट। मैनेजमेंट की जो प्रोसीजरल डेफिनेशन है उसके अंदर हम क्या कहते हैं प्लानिंग कंट्रोलिंग। फाइनेंस की अगर बात करते हैं तो फाइनेंस का मतलब जो है वो क्या होता है, फाइनेंस हमारा एक स्कार्स रिसोर्स है, ठीक है जी। तो फाइनेंशियल मैनेजमेंट में हम लोग क्या करते हैं फाइनेंशियल रिसोर्स को मैनेज करने का काम करते हैं, ठीक है जी। अब फाइनेंशियल मैनेजमेंट का जो काम करेगा उसको बोलेंगे हम लोग क्या, फाइनेंशियल मैनेजर, ठीक है जी। फाइनेंशियल मैनेजमेंट मैनेजर को सीएफओ भी बोला जाता है, ठीक है जी। फाइनेंशियल मैनेजर को रिस्पॉन्सिबिलिटी सौंपी जाती है क्या करने का, फाइनेंशियल प्लानिंग एंड कंट्रोल का, ठीक है जी। और ये रिस्पॉन्सिबिलिटी जब हमने उसको सौंपी तो उसके पीछे का हमारा जो मेन ऑब्जेक्टिव था वो क्या था, फर्म की वैल्यू को क्या करना, मैक्सिमाइज करना, ठीक है जी। जब कभी भी फाइनेंशियल मैनेजर अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को पूरा करेगा, बेसिकली जब वो फाइनेंस डिसीजन लेगा तो वो डिसीजन को तीन पार्ट में हम लोग बाइफरकेट करते हैं। एक है इन्वेस्टमेंट डिसीजन, जहां पे हम डिसाइड करते हैं कितना पैसा लॉन्ग टर्म एसेट में लगाना है, कितना पैसा शॉर्ट टर्म। एक है फाइनेंसिंग डिसीजन, जहां पे हम लोग जो है वो ये चेक करते हैं कि अपने को पैसा कहां कहां से रेज करना है। और एक है डिविडेंड डिसीजन, जिसके अंदर हम ये डिसाइड करते हैं कि प्रॉफिट का कितना पोर्शन अपने को जो है वो क्या करना है, डिस्ट्रीब्यूट करना है, और कितना पोर्शन अपने को रिटेन करना है, ठीक है। फिर जब कभी भी आप कोई भी डिसीजन दोगे तो आप टाइम वैल्यू ऑफ मनी कॉन्सेप्ट को भी ध्यान में रखोगे, ठीक है जी। जब कभी भी फाइनेंशियल मैनेजर क्या करेगा, फाइनेंस डिसीजन लेगा, तो वो हमेशा रिस्क एंड रिटर्न को जो है वो क्या करेगा, ऑप्टिमाइज करेगा। रिस्क एंड रिटर्न का वो लेवल जहां पे दोनों ऑप्टिमाइज है, बोले तो रिस्क बिल्कुल जो है वो क्या कम है और रिटर्न क्या है मैक्सिमम है, तो ऐसे लेवल को बोलते हैं हम लोग क्या, रिस्क रिटर्न ट्रेड ऑफ। जहां पे रिस्क एंड रिटर्न का ट्रेड ऑफ होगा वहां पे वैल्यू ऑफ द फर्म जो वो क्या होगा, मैक्सिमम होगा। ये क्वेश्चन आपके एमसीक्यूज के अंदर बन सकता है, जहां पे रिस्क रिटर्न का ट्रेड ऑफ है, जहां पे रिस्क सबसे कम है रिटर्न सबसे हाईर है, उस पॉइंट पे जो है फर्म की जो वैल्यू है वो सबसे क्या होगी, मैक्सिमम होगी, ठीक है। फाइनेंशियल मैनेजर जो है वो क्या करता है, फाइनेंशियल मैनेजमेंट के अंदर फाइनेंसिंग डिसीजन लेता है। जो भी फाइनेंसिंग डिसीजन आप लोगे तो उस फाइनेंसिंग डिसीजन से फर्म का रिस्क एंड रिटर्न क्या होगा, अफेक्ट होगा। आप कोई भी डिसीजन लेते हो ना तो उससे आपकी जो रिस्क एंड रिटर्न है वो क्या होगी, अफेक्ट होगी। और जो रिस्क एंड रिटर्न है अगर वो अफेक्ट होगी तो फर्म का जो रिस्क है और फर्म की जो रिटर्न है, जब ये अफेक्ट होगी तो ये फर्म की वैल्यू को भी जो है वो क्या करेंगे, अफेक्ट करेंगे, ठीक है ना जी। तो फाइनेंशियल मैनेजर मैनेजमेंट में जब भी आप कोई भी डिसीजन लेते हो तो उस डिसीजन का डायरेक्टली इंपैक्ट जो है वो पड़ता है किसके ऊपर, वैल्यू ऑफ द फर्म के ऊपर, ठीक है जी। तो ये सब डिस्कशन के अंदर हम लोगों ने जो है वो क्या पाया, हमने ये पाया कि फाइनेंशियल मैनेजमेंट के अंदर हम लोग जो है अलग अलग तरह के डिसीजन लेते हैं, ओके। ऑपरेशन जो हमारा गोल होता है वो क्या है, वैल्यू ऑफ द फर्म को क्या करना, मैक्सिमाइज करना, बोलते शेयर होल्डर की वेल्थ को मैक्सिमाइज करना, या मार्केट प्राइस पर शेयर को क्या करना, इंक्रीज करना, ठीक है। इसके अंदर हम लोग जो क्या करते हैं, डिफरेंट तरह की इंफॉर्मेशन को एनालाइज करते हैं, डिफरेंट डिफरेंट जो अल्टरनेटिव है उनको हम लोग जो वो क्या करेंगे, इवेल्युएट करेंगे, ठीक है। और जब हम इसका इवेल्युएशन करते हैं तो रिस्क एंड रिटर्न को ध्यान में रखेंगे, और ऐसा करते हुए हम लोग जो वो क्या करेंगे, हम मैनेज करेंगे फर्म के लॉन्ग टर्म एंड शॉर्ट टर्म असेट्स को, ओके जी सर। तो ये था हमारा आज का फर्स्ट लेक्चर, जिसके अंदर हम लोगों ने फाइनेंशियल मैनेजमेंट क्या होता है उसको हमने पढ़ा, ओके। आपको आता भी होगा ये सब चीजें आपने जो है ऑलरेडी पहले बीकॉम के अंदर भी पढ़ी है, एमकॉम के अंदर भी जो है पढ़ी हुई है, और अगर आपने मुझसे पढ़ा हुआ है तो आपने नेट के अंदर भी इसको जो है पढ़ा होगा, ओके। तो ये फर्स्ट लेक्चर था, इसको हमने जो है वो कवर किया, थोड़ा सा टाइम अपने को ज्यादा लग गया, कॉन्सेप्ट छोटा था बट इसको हमने टाइम लगा के करा, ताकि जब आगे अब मैं कैपिटल बस्टिंग हम पढ़ेंगे या कोस्टल कैपिटल पढ़ेंगे तो वहां पर आपको टाइम ना लगे बिल्कुल भी, ओके जी। लेक्चर कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा, अच्छा लगा अच्छा अच्छा कमेंट कीजिएगा, कोई कमी लगी वो भी बताना। बाकी ऑनलाइन बैच हम लोगों ने स्टार्ट कर दिया है HPSC असिस्टेंट प्रोफेसर की वैकेंसी के लिए, ओके। तो अगर आप इंटरेस्टेड है, नीचे हमने नंबर दिया, इस पर कॉल करके या व्हाट्सएप करके आप लोग जो है वो कोर्सेज का इंक्वायरी कर सकते हैं, ओके जी सर। तो चलो एक बार ये कीजिए, बाकी मिलते हैं कल नए लेक्चर के साथ में, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।